Dear students, today we have to discuss the role of the judge. In the previous videos, we have discussed the role of the police as well as the public prosecutor. Now we have to decide the role of the judge. कि judge क्या काम करता है बेटा? The judge is like an umpire. Judge कैसा है बेटा? Judge का role क्या है? Just like an umpire in a game. किसी भी game में आप cricket देखते हो, cricket में आपने देखा है umpire होता है. तो judge भी यहाँ पर umpire है. वो दोनों तरफ से सुनेगा. दोनों को डिस्कस करेगा, दोनों के एविडेंसेस देखेगा एंड देन ही हैव टू डिसाइड वेदर ही इज अ गिल्टी और इनोसेंट. कंडक्ट द ट्रायल इम्पार्शियली, और सारा जो ट्रायल है वो कैसे होना चाहिए? इम्पार्शियली, किसी के भी फेवर में. हमने जुडिशरी वाले चैप्टर में भी रीड किया था कि जो हमारा जजमेंट है, जो हमारे जुडिशरी है, दैट इज इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट है, इसको किसी का भी प्रेशर नहीं होता एंड इट शुड बी इन एन ओपन कोर्ट. ये ओपन कोर्ट में जजमेंट गिवन होती है. द जज हियर्स ऑल द विटनेसेस. जज का क्या काम है? सारी विटनेसेस को सुने. एंड एनी अदर एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस. और जितने भी एविडेंसेस है वो प्रोसिक्यूशन क्या दे रहा है, डिफेंस लॉयर क्या दे रहा है, उन सबको, दोनों की बात को सुना जाए. द जज डिसाइड्स वेदर द एक्यूज पर्सन इज गिल्टी. कोई और डिसाइड नहीं कर सकता. पुलिस के रोल में भी हमने आपको बताया था, पुलिस नहीं कह सकती किसी को कि गिल्टी है या इनोसेंट है. तो जज डिसाइड, जज फाइनली में डिसाइड करेगा कि ये पर्सन गिल्टी है या इनोसेंट है ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस. किसके बेसिस पे? एविडेंस के बेसिस पे, सबूतों के बेसिस पे, प्रेजेंटेड एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. और किसी भी क्राइम के अगेंस्ट लॉ क्या कहता है उसको जजमेंट देखने के बाद जज हैज टू गिव द डिसीजन. इफ द एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड, अगर एक्यूज जिसे पकड़ा गया, अपराधी को मान लेता है वो, सबूत उसके अगेंस्ट मिलते हैं, देन द जज प्रोनाउंसेस अ सेंटेंस. या सेंटेंस का मीनिंग क्या है? उसको पनिशमेंट अनाउंस करेगा फिर वो. ही मे सेंड द पर्सन टू जेल, उसे जेल भी भेज सकता है, और टू इम्पोज ए फाइन और बोथ, उस पर फाइन भी लगा सकता है या फिर दोनों भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द लॉ प्रिस्क्राइब्स. कौन सा लॉ क्या प्रिस्क्राइब करता है? यू हैव सीन सो मेनी बुक्स रिलेटेड टू डिफरेंट क्राइम्स. सो दे हैव टू बी गिव द जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ द फेयर ट्रायल, एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेज हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसिक्यूटर एज वेल एज द डिफेंस लॉयर. थैंक यू. आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ द रोल ऑफ द जज.